देख सकते हैं ये जो काला वाला है ये वाला, तो ये पूरी तरह से जो है वो परिपक्व हो चुका है और इसी को तोड़कर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग ठीक होंगे और हम आप लोगों के लिए भगवान से विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप लोग ठीक हों, स्वस्थ हों, मस्त हों। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम फिर से एक नए प्रकृति के ब्लॉग वीडियो लेकर आ गए हैं और आज जो है वो हम आज फिर एक नए प्रकृति से जुड़ा हुआ फसल का रिव्यू करेंगे और दिखाएंगे, बताएंगे कि कौन सा फसल है, इसका फसल यूज का मतलब जो फसल है इसका यूज कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो है देख सकते हैं यही खेत है और यही फसल है जिसका रिव्यू करेंगे और हम और जो चाचा जी हैं वो बताएंगे कि कौन सा ये फसल है और इस फसल का यूज कैसे होता है और आप लोग को दिखाएंगे फ्रेंड्स की फसल कौन सा है और कैसा है। तो चाचा जी बताइए कि कौन सा फसल है? बढ़िया फसल है, दाल खाइए, इसका दाल बनता है, मूंग बिदान अथी बनता है ना, क्या बोलता है, मूंग का दाल खाने वाला बनता है। हाँ, जो पैकेट में आता है। हाँ, वो कितना मुलायम लगता है खाने में। हाँ, इसका दाल बहुत बेस्ट लगेगा सर। तो देखिए फ्रेंड, चाचा जी जो है बता रहे हैं, देखिए मूंग है, लम्बा लम्बा दाना इसका रहता है, मूंग है। हाँ, मूंग है, इसका दाल होता है और अथी भी बनता है, खाने के लिए एक नंबर चीज़ है, किसानी यही मूंग का है। ये फसल में बहुत फायदे है, अच्छा है। यही जो मतलब फसल है मूंग, जिसका कि जो दुकान में पैकेट में लड्डू फर है, देखिए कितना बढ़िया फर है लड्डू, है ना। तो तो फ्रेंड्स जो ये फसल दिखाई दे रहा है यही फसल है, फसल है जिसका नाम है मूंग, जिसका आप लोग खान मतलब जो दुकान में बिकता है 5 रुपए का एक पैकेट आता है मूंग का, जो दाल बोलते हैं हम लोग, है ना चाचा? हाँ, दाले है ये बनाए मूंग का दाल 5 रुपए में जो पैकेट मिलता है जो खाते हैं फ्रेंड्स, वो यही मूंग रहता है, यही जो फसल है उपजता है और उपज कर इसी को मतलब तैयार करके वो मूंग का दाल बनाया जाता है ना चाचा? हाँ जी, दाल बनाता है, घुगनी खाइए, दाल भी एक नंबर बेस्ट है, नए का अच्छा लगता है खाने में। देख सकते हैं फ्रेंड थोड़ा सा इसका शॉर्ट सीन की किस प्रकार से कितना हरियाली है और सुंदरता है जो देख सकते हैं, इतना बढ़िया फर लगा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स कि किस प्रकार से जो है वो इसका हरियाली का जो सौंदर्य है, सुंदरता है, वो सब फर लगा लेते अभी हरियर है, बाकी जो काला है जो पका हुआ है उसको तोड़ सकते हैं। काला वाला जो है वो पका हुआ है? हाँ, काला वाला पका हुआ, हरा वाला है जो अभी कच्चा है। कच्चा है, तो ये सब मतलब कब बोया जाता है? ये बुनाया है अथी में, चैत में। चैत में यानी होली में। होली में तो मतलब धीरे धीरे करके जो काला काला वाला दिखाई दे रहा है फसल उसको मतलब तोड़ लिया जाता है। हाँ, ऐसे करके तोड़ा जाएगा, इसमें पक्का हुआ है, इसमें तोड़ दिया जाएगा, जो काला वाला उसको तोड़ लिया जाता है ना। ये हरियर है जो कच्चा है और उसको मतलब पकने दिया जाता है ताकि पकेगा तब ना दाल होगा। अच्छा, नहीं खा सकते हैं कच्चा के, कौन खाएगा, ये सूख जाएगा आधा खेते में, डिड़िए सूख जाएगा, केराव के दाना ना खाए, ये खाए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है आप लोग देख रहे हैं कि चाचा जी बता रहे हैं कि कौन मतलब जो फसल है वो मूंग का है और जो दिखाई दे रहा है आपको उसमें हरा और काला काला भी है, तो जो हरा है वो अभी कच्चा है, अभी परिपक्व वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जो काला काला है जैसा कि देख सकते हैं ये जो काला वाला है ये वाला, तो ये पूरी तरह से जो है वो परिपक्व हो चुका है और इसी को तोड़कर मतलब इसको जिस तरह से जो मटर होता है ना जब तोड़ने के बाद उसको छीलता है और छीला जाता है, उसी प्रकार से ये भी है, तोड़ने के बाद इसको छीला जाता है और छीलकर जो फसल है अलग किया जाता है ना चाचा? हाँ, इसमें दाना निकलता है, एक 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 में है 10 गो 10 गो 11 गो रहता है एक दाना। हाँ, 10-11 दाना ना। हाँ जी, समय ही जाकर इस समय कच्चे मैंने 5 पसेरी 6 पसेरी। अच्छा, कैसे रुपया किलो मिलता होगा इस ये सब? ये अखनी मूंग होगा, कम मूंग होगा तो 80 रुपये 100 रुपये तो दाल बिक रहा है, 100-125 रुपये दाल है। तो ये करीब करीब कैसे रुपया किलो होगा? ये करीब 20 रुपये से ऊपर मान के चलिए ना। 20 रुपये किलो? हाँ जी। नहीं ज़्यादा होगा कि? हाँ, काहे कि चना जब मतलब चना से ज़्यादा फायदेमंद है। हाँ, 60 रुपये किलो चना है ना। हाँ,
साठ रुपये ना होगा चना, चालीस रुपये होगा, चालीस पैसे नहीं, पचास रुपये होगा, पचास साठ मान के चलिए, क्या कि महंगाई धीरे धीरे बढ़ नहीं रहा है। हाँ, पचास रुपये ना चना तो फ्रेंड्स इसका दाम लगभग लगभग जो है वो साठ रुपया सत्तर रुपया करीब करीब किलो है ना चाचा? हाँ, सत्तर रुपये किलो है, चौदह रुपये किलो पड़ गया, चौदह रुपया, चौदह पचास सत्तर, सत्तर सत्तर रुपये पसेरी की किलो। हाँ, सत्तर रुपये किलो पड़ेगा कि महंगा ना है, मूंग ना है, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया से लड्डू नहीं। अच्छा, चना साठ रुपये पसेरी की, साठ रुपये किलो, चालीस रुपये किलो चना होगा, चालीस रुपये किलो। तो फ्रेंड्स सीधा सीधा कहा जाए और कहे तो साठ रुपये किलो मूंग का भी दाम जो है वो है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये जो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ ब्लॉग वीडियो है वो आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स? हमें उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से फिर एक नए प्राकृतिक ब्लॉग वीडियो लेकर नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, प्रणाम, हर महादेव, जय जवान, जय किसान।